तो आज की वीडियो में हम आपको डैश कैम की रिव्यू कराएंगे, जो कि हमारा 3i का, और ये काफ़ी स्लिम है, आप देख सकते होंगे। और नीचे की साइड इसमें स्पीकर्स और बटन्स है। ऊपर की साइड हम दिखा देते हैं आपको, ये कुछ पोर्ट्स वगैरह है जिसमें हमारा कैमरा वगैरह कनेक्ट होगा। और इस साइड हमारा कैमरा आ जाता है फ्रंट व्यू के लिए। अभी हम इसको ऑन करके दिखा देते हैं, ये ऑन हो गया इसका। ये येलो लाइट आ जाती है, इससे हम पार्किंग मोड में एंटर हो जाते हैं और ये वीडियोस को रिकॉर्ड करने लग जाता है। और इस साइड यहाँ पर डेट और डे, फिर एग्जैक्ट ईयर के साथ आ जाता है, टाइम भी शो कर जाता है हमको। और यहाँ ये सभी टच कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर सेटिंग्स हम देख सकते हैं। ये लोड हो रहा है, ये आप देख सकते हो। बैक रेजोल्यूशन 2.5K का इसकी रिकॉर्डिंग है, लूप रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, जी सेंसर, पार्किंग मोड, लाइसेंस, सब कुछ हमको मिल जाता है यहाँ पर, ये आप देख सकते होगे। ये ऊपर की और भी कुछ फीचर्स हैं, इसके साथ भी हम GPS भी कनेक्ट कर सकते हैं, उससे हमको बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी लोकेशन पता चल जाएगी कहाँ पर है। ये आप देख सकते हैं 2.5K में इसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी। और यहाँ पर ये इसकी ऑडियो का साइन आ रहा है, वही ऑडियो भी आ रही है। बैटरी फुल चार्ज, जिसमें इनबिल्ट बैटरी है। इसको हम जब ऐसे स्लाइड करते हैं टूवर्ड्स द लेफ्ट, और ये हमको ऐसे डबल व्यू आ जाता है। और जब इसको हम फिर से लेफ्ट में स्लाइड करते हैं, ये हमारा फ्रंट कैमरा चल जाता है। और फ्रंट 2.5K है इसका, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और पिछले वाला जो कैमरा इसको, उसकी 1080p है क्वालिटी। और इसमें अगर हम इसको टूवर्ड्स द राइट स्लाइड करते हैं, तो ये हमारी SD कार्ड में जो वीडियोस हमारी सेव्ड हुई हुई है वो वाली आ जाती हैं। ये कहाँ कहाँ गए हैं वो सभी आ जाती हैं इसमें। ये आप देख सकते हो, विद ऑडियो सभी कुछ आता है। और इसमें काफ़ी सारी वीडियोस हैं, ये तो फ्रंट ऑर्डिनरी वीडियोस है। इसमें फ्रंट अर्जेंट वीडियो, जब कोई इसको मोशन डिटेक्टर या कोई इसको हार्श डिटेक्ट लगता है, तब ये अर्जेंट वीडियोस में रिकॉर्ड हो जाएगी। ये फ्रंट इमेज जो इसने क्लिक की है, और ये रियर की क्लिक है। और इसकी कॉस्ट मुझे 10,000 रुपीज़ पड़ी थी, विद कैमरा एंड सब कुछ। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू दोस्तों।